अर्जुन जी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे शादी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हम वैसे भी हम बदनाम हो गए हैं इतना, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णुराज और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम इस समय आए हैं बाबा विश्वकर्मा जी के मंदिर में, जो कि इनके लिए बाबा विश्वकर्मा जी का महत्व बहुत होता है और हम सबके लिए होता है दोस्तों। तो आज बताना चाहते हैं, आप लोग इसके पहले देखे होंगे कंट्रोवर्सी की मालती अर्जुन का प्रेम अफेयर था, क्या था, कैसा था। तो आज हम सबसे पहले ये कहेंगे कि दोस्तों जो था सही था, मालती बताओ सबको। हाँ दोस्तों, सही में था। आप बताइए भैया। और आज हम यहाँ पे आए दोस्तों जो कि शादी कराने इन लोगों का, क्योंकि मालती हमसे जब वहां से आई है तो बोली है कि हम देखो कुछ भी होगा हम अर्जुन के बिना नहीं रह पाएंगे। और भैया भी अभी फोन पे किया, हम बोले अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो हम करा देते हैं, मंजूर है आपको? कोई दिक्कत बोलो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। तेज से बोलो, कोई दिक्कत नहीं कर रही हो ना? कोई दबाव तो नहीं ना, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है। तो इनके साथ शादी करके खुश रहोगी? शादी करोगी? सामने देख के बोलो। हाँ, बोलो। हाँ दोस्तों, हम अर्जुन जी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे शादी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हम वैसे भी हम बदनाम हो गए हैं इतना, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। और दोस्तों अभी लगभग 12 बजने वाले हैं। बदनामी का कुछ अलग लेवल है, बदनामी का। और आज आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो बताना, और कोई वो नहीं है। मैं सोचता हूँ अगर दोनों लोग खुश रहे, हमारी पत्नी अभी तक है और जब सिंदूर इनके मांग में पड़ेगा तब भी एक हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि इनको दुख ना होने पाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा बेटा है, अगर आप लोगों को लगेगा तो मेरे बेटे को सौंप सकते हैं, नहीं लगेगा तो मत सौंपिएगा, हम कुछ करेंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, पकड़िए। और अगर लग रहा है कि कहते हैं कि तलाक के पहले शादी नहीं होता है, तो दोस्तों मैं खुद साक्षी हूँ, मेरी पत्नी है और अभी ही मैं इनसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ, जो कि आज भैया मतलब दोनों लोगों को आज ये करता हूँ, रिश्ता अपना तोड़ता हूँ। आज से हमारी पत्नी नहीं रह गई। और दोस्तों किसी को भी कोई भी कानूनी कार्रवाई मेरे प्रति यदि होता है तो ये लोग मानहानि का दावा हमारे ऊपर ठोक सकते हैं, और ठोकिएगा अगर मेरे प्रति कोई कार्रवाई होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज दोस्तों सब कुछ लोगों को गलत लग रहा होगा, लेकिन नहीं, आज मैं यही कह रहा हूँ, अगर दोनों परिवार खुश रहे, ये भी खुश रहे, कुछ ऐसा ना कर ले कि इनके आदमी ये कुछ कर ले, इनके आदमी ये कुछ कर ले। इसलिए दोस्तों मैं ही चाहते हैं कि आप लोग और सब लोग सपोर्ट करिए। अब ये अपनी जिंदगी को लेकर के कहाँ जाएंगे ये हमको नहीं पता है, और इस हालत में मालती हमारे यहाँ से जा रही है, तो आगे ये भी मत कहना कि 4 दिन के बाद मजे लेके अगर छोड़ दे तो। बोलिए भैया, ऐसा नहीं करेंगे, 4 दिन मजे लेने के बाद छोड़ देंगे? तो दोस्तों आज देखिए सब नहीं, देखिए सीधे बताइए, क्या ऐसा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लेके जा रहा हूं। आपके परिवार के लोग अगर कुछ कहेंगे तब? कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों देखिए इनके परिवार के क्या कहेंगे, हमसे उससे नहीं मतलब है। अगर ये दोनों लोग सुसाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे ऊपर आएगा। और आज बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी को भी मेरे प्रति कोई, और कभी भी मैं कि इन लोगों के लिए रोऊंगा भी नहीं कि लगता है आप लोग क्योंकि रोऊंगा ऐसा करूंगा, नहीं, मैं खुश रहूंगा क्योंकि मैं वादा किया हूँ मालती से कि अगर मालती जा रही तो मालती के लिए मैं खुश रहूंगा। बोलियो ना। हाँ, तो अभी से मुस्कुराओ। और दोस्तों देख सकते हैं ये कोई मजाक नहीं हो रहा दोस्तों, शादी हो रहा है, रियल में शादी हो रहा है। और बताइए आप लोगों को कि मजाक हो रहा है, शादी हो रहा है? अभी टाइम कितना हो रहा है भैया? टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, दिखाइए टाइम, दिखाइए टाइम। अभी 12:03। और बताइए, रियल बताइए, मालती को रखेंगे? इधर आइए, मालती को रखेंगे? मेरे बच्चे को कुछ होने तो नहीं देंगे ना? नहीं, कुछ नहीं। मालती के साथ धोखा नहीं करेंगे? क्या सबूत है कि ऐसा नहीं करेंगे? वीडियो सबूत है ना, वीडियो अपने साथ। प्रशासन से गुहार लगाओ कि हम लोग दोनों लोग एक साथ रहेंगे। बोलो, हाथ जोड़ के बोलो। हम लोग एक साथ में बहुत खुश रहेंगे और हम ये चाहते हैं। आप भी बोलिए। हम
प्रशासन से ही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों लोग साथ रहेंगे, हम लोग दोनों लोग आज मंदिर में जा रहे हैं शादी करने के लिए। हमारे प्रति से, हमारे तरफ से इनके तरफ कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो आप लोग को लगता होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। यदि मैं करता हूं तो बोल रहा आप मानहानि का दावा हमारे पर दोनों लोग ठोक सकते हैं। और अभी देखिए, अभी कह रहे कि मालती जिस हालत में जा रही हैं, इस हालत में हमारे घर से जा रही हैं, और ऐसा ना हो कि कल आके बोलो कि आधा हिस्सा हमारा भी है। देखिए भैया, अगर आप लोगों को ये चाहिए कि हम गलत करें तो आप लिखित हमसे ले लीजिए चलेगा, लेकिन आज बोले आज से हमारा आपका रिश्ता पति पत्नी का खत्म होता है, इनसे आप शादी कर रही हैं, ठीक है ना? आप उदास होके नहीं? नहीं यार, उदास काहे होंगे। देखिए मैं दूसरों की खुशी के लिए लग रहा है, तुम्हें सही बताओ यार, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मैं उदास नहीं मैं खुश हूँ कि इस चीज को लेकर कि आप दोनों अच्छे से रहिए, ऐसा ना हो कि जिस तरह अगर मैं करता हूँ उस तरह आप फिर इनके साथ करें। तो कहीं अगर हमारे जाने के बाद आप कहीं सुसाइड नहीं कर, अगर हाँ अगर सुसाइड वगैरह कोई भी चीज करते हैं तो उसका जिम्मेदार मेरा परिवार होगा, ना कि मालती और अर्जुन। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार मेरा परिवार होगा और स्वयं मैं होऊंगा, मैं स्वयं होऊंगा, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मैं स्वयं होऊंगा। और इसके लिए हम कहना चाहते हैं आप लोग विश्वकर्मा बाबा का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद आप लोग सिंदूर पहनिए, गुड़ धरिए जाइए। जो कल वो जो चालान करवाए हैं 151 का, वो कल उससे नहीं मतलब, देखिए 151 का चालान होता है कि 6 महीने आप नहीं जाते हैं तो वो जो है वो हमारे ऊपर भी हुआ है, तो 6 महीने वैसे चलेगा, 6 महीने के बीच में आप लोग आप हमसे आपसे कोई विवाद ना हो। तो ये वहाँ तो शादी हो रही है तो हमसे विवाद नहीं हम कर रहे हैं आपसे, कोई केस का मैटर नहीं है। और दूसरी चीज है दोस्तों कि वीडियो पे इतना चला है कि मतलब क्या वीडियो पे इतना वीडियो चला है, चला था तो आप छुपे थे, आज आप दोनों एक साथ है ना? छुपे नहीं थे भाई, आप मालती के साथ नहीं थे ना? आज मालती बोली आपसे शादी करेंगे, आप भी बोले मालती शादी करेंगे, तो दोस्तों किसी भी प्रकार का मेरे प्रति कार्रवाई नहीं है। और जो 151 का है 6 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो शांति भंग करने के लिए कि हम दोनों पुलिस के साथ शांति भंग करने का किए हैं। तो खुश हो मालती? दिल से बताओ, ऐसा ना हो कि ये भी बदल जाएगा सुबह, तुम कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं को फंसा देना, हमको लेके भाग रहे थे। नहीं नहीं, दिल से बोलो, इनसे बोलो कि नहीं फंसाएंगे, नहीं हम मर जाएंगे ऐसा कभी नहीं। चलिए विश्वकर्मा का आशीर्वाद लीजिए दोनों लोग, बाबू के साथ जाओ ना, अरे बच्चा भी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, और उधर से भैया उधर से बोलिए, बैठ जाइए दोनों लोग, बैठ जाइए आप सब, बैठ जाओ मालती, बैठ जाओ। अरे बैठा थी तो आपने परेशान डाला, आराम से बैठ जाओ। बोलो मैं विश्वकर्मा भगवान को शिव जी, अरे यार हंसना नहीं मालती, बोलो मैं शिव जी को साक्षी मान के, शिव जी को साक्षी मान के इनको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, उनको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब तुम भी बोलो मालती, मैं शिव जी को साक्षी मान के मालती, मजाक नहीं हो रहा है, बोलो मैं शिव जी को भाई जो चीज है वो चीज कर रहा हूँ, हंसी नहीं, बोलो मैं शिव जी को साक्षी मान के इनको अपना पति स्वीकार करती हूँ। हाँ, बोलने में क्या जाता है, मैं नहीं बोल पाएंगे ना, लीजिए भैया खड़े होकर सिद्ध होता है, उठो पास लीजिए, हाँ ऐसे 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 सही है, क्या हुआ? अरे उससे क्या, ऐसे खड़ी हो जाओ, ऐसे महान है सिंदूर पड़ेगा उसके बाद तुम इनकी हो जाओगे। अभी दोस्तों इनको लग रहा है हमारा चाल है, तो आप लोग देखिए अगर कोई भी चाल होता है, मैं बोल रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, कोई भी चीज करता हूँ, बस आप लोग हमारे साथ कुछ ना करें बस। अब वीडियो में, हाँ वीडियो अगर पब्लिक होती है तो आप किसी के इंटरव्यू में कोई गलत जवाब नहीं, हम बोलेंगे हम, मैं खुद करवाऊं जाके कि वो मरने के लिए बोले थे, वो मरने किसी के मरने से अच्छा आप लोग प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोल रहा। मालती बोल रही थी कि अर्जुन हमसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, उसके बाद जो है हम देखिए न्यूज वाले क्या बोले, न्यूज वाले आपके ऊपर कुछ नहीं, मैं चाहूंगा तो मैं करूंगा, आप दोनों प्यार करते मैं राजी हूँ,
कि आप लोगों की जिंदगी में हम लोग के पास न्यूज ज्वाला नहीं आना चाहिए, कोई कोई नहीं आएगा आप लोगों का कोई बात नहीं। एक बात की बात थी, फेमस हो गए कि दूसरे के साथ चली गई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम फेमस नहीं है, हम वीडियो भी बनाना छोड़ देंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को ऐसा लगे तो हम छोड़ देंगे। कम से कम 5,000 और दोस्तों भी देख सकते हैं मालती का सिंदूर दान हो गया है और पैर छू आज से तुम्हारे पति हैं, आज से देखो और अब हमसे जो तुम्हारा रिश्ता है वो भी टूट चुका है, ठीक है। और आज से तुम्हारे कौन है उधर सामने देख के बोलो, सामने साक्षी है, पैर छू आप आशीर्वाद दीजिए। चलिए उठिए यहाँ ऐसे आइए, खड़ा ऐसे ऐसे यहाँ आइए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, रियल में शादी हो रही है। और भैया पकड़िए बाबू को और अभी हम चलते हैं यहाँ से और इन लोगों को इनके मंजिल तक पहुँचा के निकलते हैं क्योंकि ये दोनों खुश रहे। और हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद, भैया एक चीज और, यदि आपकी पत्नी हमारे ऊपर क्लेम करती है तो आपसे कोई लेना देना, मतलब आपकी पत्नी से हमसे कोई लेना देना नहीं है ना भैया। देखो आप जाने हमारे तरफ से कोई मतलब नहीं है कि मेरे चलते किसी की जिंदगी बर्बाद हो, माती की भी जिंदगी बर्बाद होती, भैया की भी जिंदगी बर्बाद हुई। तो चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दोस्तों अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन जो सही था, जो मैंने सही सोचा वो किया। आज आप लोग आप जाके बकायदा कोर्ट मैरिज भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप दुनिया की नजर में आप एक पति पत्नी बन गए,